आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 150। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया, हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है ऑड नंबर्स का फ्रॉम 1 से लेके 150 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे ऑड नंबर्स कौन से हैं। ऑड नंबर्स दैट इज किसके इक्वल है, फर्स्ट हमारा ऑड नंबर 1 है, देन 3। जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे कहां तक हो जाएंगे, 150। लेकिन 150 हमारा ऑड नंबर नहीं है, ये हमारा इवन नंबर है। तो 150 से पहले ऑड नंबर हमारा क्या आएगा, 149। इट मींस 1 से लेके 149 तक हमारे जो ऑड नंबर्स है हमने उनका सम फाइंड करना है। तो हमें पहले सबसे पहले देखेंगे ये हमारी एपी सीरीज है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा A1, 3 हमारा A2, 5 हमारा A3 और 7 हमारा A4 है, तो एपी सीरीज करने के लिए देखेंगे जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या सेम है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट मींस ये हमारी एपी सीरीज हो गई। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू डी है, वो हमारे किसके इक्वल है, A2 माइनस A1, देन इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देन इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अब हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे वो हमारे डी के इक्वल, डी हमारा जो है सारा सबका सेम आ रहा है। अगर तो हमारा डी सेम है इट मींस ये हमारी एपी सीरीज है। तो A2 हमारा 3 माइनस 1, नाउ अगेन A3 5 माइनस 3, नाउ अगेन 7 माइनस 5 हो गया। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 में से 1 2, 5 में से 3 2, देन 7 में से 5 2। तो इट मींस हमारा जो डी है डिफरेंस है तीनों का सेम है, तो हमारी ये एपी सीरीज हो गई। जो हमारे ऑड नंबर्स हैं दीज आर इन एपी सीरीज, ये हमारी एपी सीरीज में है, तो हम ए फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा 1 और डी हमारा हो गया 2, क्योंकि ये हमारी एपी सीरीज है तो इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, ए भी है हमारे पास डी भी है, तो हम एन फाइंड कर सकते हैं। तो एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा एन किसके इक्वल आएगा, ए एन, क्योंकि हमारे पास ए एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो हमें पता है ए एन हमारा इसके इक्वल होता, तो एन फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए हमारे पास 1 है, एन को हम एज इट इज माइनस 1, डी हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी हमारे पास दिया हुआ है 2, तो इसकी वैल्यू फिल कर सकते हैं हम 2। तो ए एन हमें पता है किसके इक्वल है, हमारा ए एन हमारे पास क्या आया है, 149 आया है, तो 149 इधर, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 149 है, तो ए एन हमारा 149 हो गया। तो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 149 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2n माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 149 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। तो माइनस का हमारा 2 है और उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 2n हो गया। तो हमारे किसके इक्वल हो गया, क्योंकि हमने 2 में से 1 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 2n प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमारे बड़े डिजिट का, तो माइनस 1 आना था तो उधर जाके वो पॉजिटिव में हो गया। तो 150 अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हमारा इधर मल्टीप्लिकेशन का है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा n किसके इक्वल आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 2, 75 हमारा किसके इक्वल आया, n के। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, हम सम फाइंड कर सकते हैं। नाउ सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, यही फाइंड करना है। नाउ सम किसके इक्वल आएगा हमारे, s इज इक्वल टू सम ऑफ हमारी जो n टर्म्स है, n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब हमारे पास जब हमारे हमने सम फाइंड करना होता है, हमारे पास लास्ट नंबर भी है और हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर भी है। तो हम इसको दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले n बाय 2, देन 2a प्लस n माइनस 1 एंड डी। अगर हमारा हम इसमें ए प्लस एल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एन बाय 2, एन हमारा क्या है 75, बाय 2 हो गया और ए हमारा क्या है 1, प्लस एन हमारे पास 75 माइनस 1, देन डी हमारा 2। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 75 बाय 2, देन 2 प्लस 74
मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 75/2। देन अगेन जब हम 74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 148। 2 प्लस 148 हो गया, इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम प्लस करेंगे तो 150 के इक्वल, तो 75/2 मल्टीप्लाई बाय 150, तो 150 2 से डिवाइडेड 75 मल्टीप्लाई बाय 75 क्या हो गया हमारे पास, 75 मल्टीप्लाई बाय 75 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5625। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ, सम के इक्वल हो गया सम ऑफ हमारी टर्म्स का, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू, ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 150 तक जो हमने फाइंड करना था, हमारा आया है 5625। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।